आंगनवाड़ी सेविकाओं पर बड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी। जून का महीना और 2024 यानी कि इसी महीने की 6 तारीख की यह ऑफिशियल लेटर है, एकदम लेटेस्ट न्यूज उन सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए है जो सेविका बहन पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री करने में कोई भी लापरवाही बरती है या कहीं भी कोई भी गलत एंट्री की है, उसके लिए यह न्यूज बेहद ही यूजफुल है। इसलिए मैं सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यह वीडियो बड़े ध्यान से देखें, समझें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके द्वारा किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है पोषण ट्रैकर में एंट्री के लिए, और क्या आपने यह गलती तो नहीं की है। यदि आपने यह गलती की है तो उसका भी समाधान है, बस आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका जवाब मैं आप लोगों को आने वाले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दूंगी। आइए देखते हैं कि लेटेस्ट ऑफिशियल लेटर क्या है, क्यों आंगनबाड़ी वर्करों पर बड़ी कार्रवाई की संदेह जताई जा रही है। देखिए आप लोग, ये हो गया संचिका संख्या, दिनांक हो गया 6/6/2024, इसके प्रेषक है ICDS निदेशक, सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, यानी कि यह समस्त जिलों के लिए है, ना कि केवल एक जिले के लिए है, यह जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के लिए है। विषय क्या है, और यह ध्यान दीजिएगा, यह केवल बिहार की बात नहीं हो रही है, यह पूरे भारतवर्ष के आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए है, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर जो हम लोगों का काम कर रहे हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, पोषण ट्रैकर ऐप जो है केवल बिहार में ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में आंगनवाड़ी वर्करों को जो है कि पोषण ट्रैकर ऐप से काम करना पड़ता है, इसलिए पोषण ट्रैकर ऐप की सभी जानकारियों को सभी बहनों को जानना बेहद जरूरी है। विषय हम देखते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषयक के संबंध में कहना है कि पोषण ट्रैकर पर दर्ज आंकड़ों के अनुश्रवण में पाया गया है कि राज्य के विभिन्न जिले परियोजनाओं अंतर्गत कतिपय आंगनबाड़ी केंद्रों पर अत्यधिक संख्या में लाभार्थियों की एंट्री की गई है, जो वार्ड के पोषक क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मुंगेर जिला के मुंगेर सदर परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र करवाला चयन टोला केंद्र कोड संख्या 10/22/60/70/52/3 पर 400 लाभार्थी से अधिक पंजीकृत है। आप लोग सोचिए कि 400 लाभार्थी, केवल 400 में यहाँ मिनी आंगनबाड़ी की बहाली हो जाती है, और यहाँ देखिए कि केवल 400 लाभार्थी जो है कि एक पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत हैं। लाभार्थी यानी कि उसमें केवल गर्भवती, प्रसूति और 0 से लेकर के 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे, केवल 6 वर्ष के बच्चों को जो है कि 400 बच्चे और प्लस गर्भवती शामिल हैं। उपयुक्त के आलोक में राज्य के सभी परियोजनाओं में 125 से अधिक लाभार्थियों वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची एक्सेल शीट में संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि अत्यधिक संख्या में पोषण ट्रैकर पर दर्ज लाभार्थियों वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का भौतिक रूप से सत्यापन टीम गठित कर अनिवार्य रूप से कराया जाए। यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके विरुद्ध समुचित विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। कृत कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से निदेशालय में उपलब्ध कराया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु परियोजनावार ऐसे केंद्रों की संख्या तालिकाबद्ध कर उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को ये बताना है कि यदि कोई भी मेरी सेविका बहन करवाला चैन टोला से है, मुंगेर से, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और उनके समस्याओं का समाधान हम लोग मिलकर निकालेंगे। और मुझे यह भी बताएं आप किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से यह वीडियो देख रहे हैं। मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सभी दोस्तों को नमस्ते।